चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लीजिए, कीजिए साहिब से हेत परम पद पाइए। चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लीजिए, कीजिए साहिब से हेत परम पद पाइए। सतगुरु की हाट क्या है? सत्संग। हाट में जाते हैं, दुकान में सौदा लेने जाते हैं, जो सौदा लेते हैं वो मिल जाता है। सतगुरु की हाट से आपको क्या मिलेगा? ज्ञान और बुद्धि। आप समझे, अगर कोई सतगुरु है और कोई सतगुरु की तलाश में गया है, सुनना चाहता है, तो उसको ज्ञान और बुद्धि मिल जाएगी। क्यों? जिस परमात्मा की तलाश हम कर रहे हैं, आज से नहीं, ऋषि मुनि ब्राह्मणों ने की, फिर पंडित पुरोहितों ने की, फिर नाथों ने की, और अभी कलयुग के संत संत संत, संत सब सबको संत। अब मेरे जो पुस्तक हैं उसके ऊपर हर जगह लिखा, डॉक्टर कमला जी लिखा, परम संत कैप्टन लालचंद जी महाराज। जब पहली पुस्तक लिखी तो मैं पूछा, भाई ये क्या किया, क्यों ये, क्यों ये परम संत मुझे लिखा है? बोली हाँ। मैं कहा, मेरे को अगर परम संत लिखोगी तो ये बाकी जो लाखों लाखों चले, दो दो चार चार लाख, उनको क्या लिखोगे भाई? मैं तो ऑर्डरी आदमी हूँ, गृहस्थी आदमी हूँ, मैं तो कोई पंडित पुरोहित नहीं हूँ, ना कोई गुरुद्वारा मंदिर है। बोले ना, आप तो आप असली बात करते हो, आप असली सतगुरु हो, तो और बाकी बोले वो तो ड्रामा है, नकल कर रहे हैं, नकाल है, यानी सांग काट रखा गया। एक तो सांग काटना होता है ना, जैसे मैं टोपी टापी लगा लेता नाथूँगी तो आप सोचते नाथ जी हैं, अगर मैं और कोई तरी लगा लेता तो कुछ समझते ये फलाने जी हैं, पंडित जी हैं। तो सांग होता है ना कि टीका लगा दिया, टामा लगा दिया, तो वो तो पंडित हो गया, और जो टीका टामा नहीं लगाते हैं वो नाथूँगे जो होते हैं, वो मोडेश्वर आज क्या बैठ जाते हैं। तो कहते सांगी मच्छा, तो मैं ये समझा कि ये जितने गुरुओं के नाम लगा रखे हैं, संत परम संत, ये चेलून बढ़ाए, ये बात समझा इससे कि चेलून बढ़ाए, चेले उठा करके बड़ा नाम बढ़ाते हैं। जैसे आजकल आप जनता जो चाहते हो बढ़ाई राजा बना देते हो, बनाते हो ना, पहले ये ख्याल ही नहीं कर सकते थे कि राजा का बेटा ही राजा होता है। और आजकल आप देख के वोटर एक साधारण आदमी ने, जो ऑर्डरी आदमी, जैसे केजरीवाल जैसे बढ़ा कर ऊपर चढ़ा दिया, दिल्ली में सब हार गए। तो बात क्या है, ये सतगुरु की हाट से या सत्संग में आपको क्या मिलेगा? ज्ञान और बुद्धि, जो लेना चाहता है। तो मनुष्य ईश्वर का अंश है, ईश्वर कहीं है तो आप में है, आप सब में भी शामिल, आपके अंदर, हम सब के अंदर है वो तत्व रूप, छोटी सी थोड़ी सी चिंगारी, ईश्वरीय गुण है। ईश्वर का क्या गुण है? ईश्वर सृष्टि बनाता है, उसका पालन पोषण करता है और सार कर देता है, शक्ति है ना उसके अंदर। तो वैसे तो ईश्वर कई तरह से बढ़ा रखे हैं। कहते एक राम दशरथ का बेटा जो पैदा हुआ, जिसको आपने मान लिया, कृष्ण ने मान लिया, बालाजी को मान लिया, माता जी को मान लिया, मुसलमानों ने मोहम्मद साहब को मान लिया, जैनियों ने शिव जी महाराज को मान लिया, मतलब ये एक मान्यता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, विश्वव्यापी सत्य नहीं है, वो आपका माना हुआ है और वो ठीक है, आपके लिए ठीक है, आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपने माना और आपका काम हो जाते हैं। तो शक्ति किस में हुई? मूर्ति में, गुरु में, आप में। क्यों कह रहा हूँ ये बात? मेरा रूप जगह जगह प्रकट होता है, कहते आप आए, ये कर दिया मेरा, ये कर दिया, ये कर दिया, मेरे बाप को पता नहीं, मैं जिंदा बैठा हूँ भी। जब जिंदा बैठा हूँ जगह जगह रूप प्रकट होता है, लोगों का काम कर देता है, जब वो मुसीबत में होते हैं तो भी उसकी सहायता कर देता है। कईयों को तो नग्गी आँख से देखते हैं कि मैंने देखा आप आए, ऐसे ऐसे काम था, ऐसे ऐसे हो गया। और किसी को ध्यान के अंदर जो साधन करते हैं, और किसी को सपने में कर दिया, और मैं कहीं नहीं जाता। वो कहते आपको हमने देखा, आपने हमारी मदद करी, और मैं जिंदा हूँ अभी, हाजिर बैठे हूँ, 93 साल का हो गया, और मैं कहीं जाता नहीं हूँ। तो कौन जाता है? वो उसी के अंदर है, ईश्वर साहब के अंदर है, जो चाहते हो वही प्रकट कर लेते हो। बालाजी को मानते हो तो बालाजी को खड़ा कर लेते हो, माताजी को मानते हो माताजी को कर लेते हो, और अगर किसी गुरु को जिंदे को मारते हो तो उसको कर लेते हो, राम को मानते हो राम को कर लेते हो, मुसलमान मोहम्मद को मानते हो तो मोहम्मद जी को कर लेते हैं। मतलब कहने का है, शक्ति मनुष्य के अंदर है और वो बाहर देखता फिर रहा है। आइए समझ बात। तो आप हैं पैदा करने वाले, राम को बनाने वाले भी आप हैं, देवी को भी आप प्रकट करते हैं, गुरु को भी आप प्रकट करते हैं, और वो आपको पता नहीं है। ये बात नहीं तो शुरू से बताते हैं, कहते आए सैन के अंदर, और शायद उस वक्त ज़माना ठीक था, नहीं बताई गई। अभी इस 19वीं शताब्दी के अंदर
एक पंडित फकीर सिंह जी हुशियारपुर में हुए पाराश्रीय ब्राह्मण जो रेलवे के स्टेशन मास्टर थे और वो जो थे वो मेरे गुरु जी उनके पास से मैंने ज्ञान दिया था। तो वो पहला महात्मा है जिसने बताना शुरू कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाता हूँ और मेरा रूप जगह जगह जाता है, मैं तो जाता नहीं। और यही बात फिर मैंने जब लिया तो मेरे साथ घटना घटती रहती जगह जगह। तो साबुत चाहता आद का आदमी, प्रूफ चाहता प्रूइट, हर चीज़ को ऐसे विश्वास नहीं करता। पहले बोलते मान लो, अब कौन मान दे पत्थर को, मूर्ति को कोई आदमी मानेगा नहीं, कैसे मान ले मूर्ति को, पत्थर की बंडी है, प्रूइट, उसमें कुछ ज्ञान है। तो प्रूफ क्या है, आप में है वो शक्ति जो मूर्ति को आप प्रकट करके सब काम ले लेते हैं। आई क्या समझ में? तो आप ईश्वर अंश हैं, ईश्वर कहीं है तो मनुष्य के अंदर है। ये जितना भाद्रगढ़ का क्रिएशन है, ये वाटिका वगैरह किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया होगा, फिना उन्न होगा, बनाने वाले मनुष्य ही तो होगा ना। और जितने शहर बने दिल्ली और किसने बनाया, लाल किला किसने बनाया, मतलब जितने मकान जितना क्रिएशन है, हवाई जहाज किसने बनाया, हेलीकॉप्टर किसने, मनुष्य ने। और मनुष्य के अंदर वो ज्ञान है, वो जिस तरफ तवज्जा करता वो पैदा करता। जैसी सूर्य शक्ति है ना, ईश्वर में शक्ति तो है ना पैदा करने वाली। तो मनुष्य ने ये हाथ आपके सामने सब डिस्प्ले कर रखा। जब मैं कहता हूँ मैं जीवता नहीं जाता और मेरा रूप जाता तो मैं कैसे मान लूँ कि आपके अंदर भूत आया है, गुरु जी आए हैं, देवी आई है, मैं कैसे मान लूँ जब मैं खुद जिंदा नहीं जा रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ और मेरे साथ सबूत है, प्रूफ है। एक आदमी नहीं, बहुत संख्या में, और वो भी कौन, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, अच्छे लोग, बुद्धिमान, अच्छे धनी आदमी, मतलब कहने का है कि जो इस समाज में जितने आदमी हैं वो सब मेरी पुस्तक पढ़ते हैं और मेरे को यूट्यूब पर सुनते हैं। यूट्यूब पर है कैप्टन लाल चंद जी .com, तो उसमें मेरे 100 सत्संग, करीब सैकड़ी सत्संग हैं, बिहानी से आ जाते हैं और वो सुनने के बाद मेरे से बात मिलना चाहते हैं कि आपने जो बात कही किसी ने कही नहीं। मैं कहा भाई कहने की बात ये थी, गुरु जी से एक दिन मैं खड़ा था, मैं कोई सेवा कर दूँ आपकी, तो कहने के तेरे के लिए सेवा मेरे को देख के कहने के तेरे लिए ये सेवा नहीं है। मैं सोचा भाई कोई कपड़े ला दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, मुट्ठी चप्पी कर दूँ, तो कहने का तेरे लिए ये सेवा नहीं है। क्या है कि मेरे बेटे बेटी अज्ञान के अंदर दुखी हैं पूरे देश में और पूरी दुनिया के अंदर, चीन में, जापान में, अमेरिका में, अफ्रीका में, जो मनुष्य जाति है सब दुखी है अज्ञान भ्रम में, तुम उनको सच्चाई बता देना। अब उस वक्त तो मैं समझा नहीं, जब मेरे को समझ आई तो मैं बताना शुरू करा, तो इधर तो मैं बता नहीं सकता था, मेरे साथ आप लोगों की टीम जचकी, अच्छे आदमी आगे जो मेरा, मैं बोलता हूँ इस लेख को मन तो जानता नहीं था, रेखाना दिखा सेना का अधिकारी हूँ, तो दूसरे युद्ध के अंदर ब्रह्मा के अंदर लड़ा हूँ और फिर जितने भारत में 71 तक युद्ध हो, युद्ध में रहे हूँ, आगे टेक्निकल अफसर था वायरलेस के महकमे का कम्युनिकेशन देने के लिए, तो युद्धों का आदमी हूँ मैं, कोई मंदिर में कहीं जाके गुफा में साधना नहीं किया, चलते फिरते सहजयोगी हूँ। सहज का मतलब बैठा हूँ, सहज में योग में बैठा हूँ और आपको बात कर रहा हूँ, आपके दर्शन कर रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ आप में, आप ईश्वर बैठे हुए हैं यहाँ पर और मैं चेता रहा हूँ कि आप वही हैं, आप मेरे से अच्छे हैं। अज्ञान है तो अज्ञान के लिए मैंने बैठते क्या बोला था, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि दीजिए, ज्ञान और बुद्धि उसके हाट से मिलेगी, उस सत्संग में मिलेगी, किसके मिलेगी, जैसे भी हो। और सब जितने गुरु का हैं ज्ञान दे रहे हैं वो सब धन्य हैं, सब पूज्य हैं, जो गलत काम सदाई से होता आया है। जब राम था तो रावण भी तो था, ये सदा से आई थी, नेगेटिव पॉजिटिव साथ रहा, वो परमात्मा का खेल है, वही राम है, वही रावण भी बन जाता है, वही राम बन जाता है, ये ड्रामा चल रहा है, इसका एक नाटकशाला है। तो ये सत्संग में समझ में आएगी आपको, और सत्संग में जा करके करना क्या है कि पहले हमने ज्ञान और बुद्धि लेनी है ताकि हमारी यह जिंदगी अच्छी गुजरे। अच्छी गुजरने का मतलब क्या है, जो आज तक हमें ज्ञान दिया गया है ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, नाथों ने, जितने भी गुरु पीर तो हो या काजी मुल्ला पीर पैगंबर अवतार, वो सब के सब मनुष्य को ज्ञान देने के लिए आए हैं कि आप ईश्वर अंश हो और आप सुखी जिंदगी काट, आप फिक्र मत करो कोई चीज़ का, आपके विचार में बहुत शक्ति है, आप विचार चाहोगे सो हो जाएगा, आपके विचार में इतनी शक्ति है कि जैसे इस दिन बात अभी डॉक्टर कमला ने कहा कि एक लेडी साधन करती थी और साधन करते करते वो नहीं चाहती मेरे बच्चे तंग करें मेरे को, तो आपने पति को कहा, फिर गुरु जी को कहा, गुरु जी ने कहा बात को नहीं सुनी उसने, और आखिर में वही काम करती रही तो बच्चों को चाहती नहीं थी। तो गुरु जी ने एक दिन कहा, कोई फिरोजपुर में वहाँ गई तो उन्होंने कहा भाई जबलपुर से आई थी, उसको बुलाई थी, कहने गया इस औरत को मैं सत्संग दे रहा था, समझाना चाहता था, ये मेरा सत्संग समझ नहीं सकी,
और ये इसके तीनों बच्चे मेरा ज्ञान कहते हैं 6 महीने के अंदर चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसकी विल पावर ज़बरदस्त है। ये लाल रंग के प्रकाश में रहती है और इष्ट का मूर्ति देखती है तो उसमें बड़ी विल पावर आ जाती है, ताकत, आप में ताकत है। अगर आप साधन करेंगे तो ताकत है, और कोई विचार करेंगे तो आपके विचारों का खेल है सब। तो पहले दुनिया चाहते हो तो बस इधर ध्यान करने की जरूरत है, यहाँ विचार एकाग्रता करते रहते हो, ये अच्छी कोठी बनाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, एक विचार को लेके बैठे वो चीज़ आपकी हो जाएगी, साधन बन जाएंगे, जरिए बन जाएंगे, कर लोगे, मकान बना दोगे, दुकान बना दोगे, जो कुछ इच्छा करते वही हो जाती है आपकी। अभी नहीं हो सकती, फर्ज करो को कुछ कर्म दे के आए हो, अभी जो आप पहले से भाग्य दे के आए हो वो तो आपने करना लाजमी है, प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ये कर्जे का देश है, ये जब जी रहे हैं ना, इसके अंदर जो हमने पहले किया उसका भोगने के लिए आते हैं। कोई भाई बन के आता है मदद करने के लिए, कोई पत्नी बन के आती है मदद करने के लिए, कोई पति बन के मदद करने, कोई दुख देने के लिए, कोई सुख देने के लिए, हर घर के अंदर ये कहानी है। जो पहली से वो तंग करती है तो ज्ञान नहीं, आदमी को हाया करने लग जाता है, और समझ आ जाती है कि यह पत्नी बन के आई और बात बोलने नहीं देती, रहने दो आपको कुछ अकल नहीं है, आप बेअकल हो बोलना, ठीक है देवी बात समझ में आ गई, उसका बुरा नहीं मानोगे क्या, आई ऐसे मैंने कभी इसको बेइज्जती करी है, मेरी बेइज्जती करने के लिए आई है, तो आप सह लोगे, सह लो, ज्ञान होने पर आपको कोई तकलीफ नहीं हो, बेटा आपका आपका कहा नहीं करता, उल्टा पलटा जाता है, और आपने सत्संग में ज्ञान आ गया कि आपने अपने पिताजी का कहा नहीं मानना था, आपने नहीं माना तो आपका बेटा कैसे मानेगा, वो भी तो आप वैसे ही आपका तो बेटा है, वो नहीं मानेगा आपका, और सत्संग में समझ में आ गई तो फिर सोचोगे कोई बात नहीं, कोई लेने देने का चक्कर है भाई, मांगे बेटा नहीं है ऐसे आता, किसी के जन्म गया बेटा और पैर काम हाथ नहीं करते, प्राली चीज चार पाई पड़ा उसको खाना खिलाते रहिए काम करते, और वो हाय करता है कि देखो ये आ गया, ये आ गया, और ये ज्ञान हो जाए सत्संग में, कभी को अच्छे सत्संग में तो वो समझ जाएगा, तो धीरे धीरे का चक्कर है को पेरेगा, तो राजी राजी चुका देता हूँ, हाय हाय नहीं करता, आई ये बात समझ में। अब किसी डॉक्टर के पास जाते हो और बार बार इलाज नहीं होता, अब दवाई देते हो, वो पीछे से मांग रहे हैं आपको, मतलब देना खत्म हो जाएगा तो उसे ठीक हो जाओगे तो आप उसे पीछा छूट जाएगा, ये सब लेने देने के चक्कर हैं इस लोक में, और लेने देने का चक्कर का हमको पता नहीं, तो आज मैं ये सत्संग नहीं करा रहा हूँ आपको, लेने देने वाला नहीं करा रहा हूँ, तो आपको समझाइए एक बात, मैं आज सत्संग और करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ कि जो ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी अच्छा काम करने के लिए, वो सब की सब किसी सतगुरु की हाट से सत्संग से मिलेगी, किस सतगुरु से मिले ये पता नहीं, और जितने आज तक हुए हैं ब्राह्मण पंडित पुरोहित लोक अभी हैं इनके बीच के अंदर देखते हो गड़बड़ भी करते हैं, वो गड़बड़ करने के लिए नहीं आते थे, आए तो अच्छा काम करने के लिए, जामा पैर लेते हैं महात्मा बनने का, लोग दान पुण्य देते हैं वो खाते जाते हैं, वो काम करते नहीं, महात्मा का काम था अमृत बरसाना, सुख देना सबका, कट्ठा जोड़ने का नहीं काम, कट्ठा जोड़ने का सेठ बनता, फिर इधर सेठ बने वो चाहता तो कर्मापति बन सकता था, दाम इकट्ठे करने थे तो ये सांग झूठा क्यों कर, समझे ना बात, ये सांग तो त्यागियों का है मार्ग, तो जो संत वगैरह आते हैं वो त्यागी होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, कहते हैं जिनको कछु न चाहिए वही शान सा, ऐसे पहले जितने हुए हैं, ये जो दुकान लगा लेते हैं, रंग इकट्ठा कर लेते हैं, रुपया निकलते हैं, सोना निकलता है, ये भूल जाते हैं, इनको ज्ञान नहीं मिला होता, बन गया वो ईश्वर थी बनने की, आश्रम ने आश्रम बढ़ा दिया, धन इकट्ठा हो गया, और खोटा काम करने लगा बुद्धि खराब होगी, फिर विनाश काले बुद्धि विपरीतम, जो नहीं करने वाला काम करे तो आप देखते हो ना उनको हथड़ियों में डाल के बयान लेते हैं, वो ये उनकी बस की बात नहीं है, वो मजबूर बेचारे, उनका कोई शुभ कर्म आगे आ जाता है और वो आकर ये दुखी दिखता है, तो जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा, हर आदमी अपने अपने कर्म काटने के लिए आता है तो दुखी नहीं होगा। कहने का कुल मतलब है सत्संग है क्या, सत्संग में आकर के आदमी हमेशा के लिए खुश रह सके, बेटियां खुश रह सकें, रूस ना के गाड़ी काटना नाराज होने की बात नहीं करो, हलो इसके लिए सत्संग, सत्संगत मत मंगल मूला, मंगल मूल चीज यही है, किस लिए कि हम हमेशा खुश एवर ग्रीन, सदा दिवाली साध कर आठ ऊपर आनंद, तो साध बनने की जरूरत नहीं है, वो साधना करके वो बात को समझ लो और हमेशा खुश रहना सीख जा लो, ये है सत्य, इस लोक में जब तक जीते हो खुशी से रहो, खूब अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा विचार करो, घर में प्रेम रहे, एक दूसरे को देख के खुश हो गए, खुशी हो जाओ, तो आप में शक्ति है, जब आप गुस्सा करके हो तो उस वक्त आपका गुस्सा जबरदस्त गोली की तरह चोट करता है, अगर पत्नी पर नाराज होकर पत्नी का बुरा चाहते हो, गुस्से से आए हो, बाजार में बिगड़ गए, किसी से नाराजी होकर के आगे गुस्सा करते हो तो पत्नी बीमार हो जाएगी, आपके विचार में शक्ति है आपको पता नहीं, मनुष्य ईश्वर अंश है, उसके विचार में शक्ति है, उसने दुनिया बढ़ा दी है सबके सब, देखो विचार से, संकल्प में संसार है, जैसा संकल्प है वैसे संसार बन गई,
क्या कह रहे हैं हम समझ आई आपको बात? तो मैंने आज आपको ये नहीं कहा कि आप छोटे में कहता हूँ, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ यहाँ पर कि ईश्वर बैठे यार देखो ज्ञान के बैठे हुए, तो मैं चाहता हूँ ये आप तो महाराज सब कुछ कर सकते हो, आपके विचार में बड़ी शक्ति है। तो शिव शक्ति छोटा सा नुकता है इसका, क्या करो सुंदर विचार रखो। अरे इतनी सी बात, छोटी सी बात है, शिव संकल्प मस्तु ए मनुष्य, सुंदर सुंदर सोच या दुनिया सुंदर बन जाएगी। हमको गुस्सा आता तो हम बुरा बुरा सोचने लग जाते हैं, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो चाहे भाई हो चाहे दवाई हो किसी के साथ में, और वो बुरा सोच के फिर मन नहीं मन सकते इसलिए ऐसे क्या ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, वो विचार रेडिएट होकर ब्रह्मांड में चले जाते हैं। पहले इस बात का पता नहीं था, पहले कह संगत करो संतों की संगत करो, और अभी पता हो गया, साइंस ने साबित कर दिया कि मनुष्य के अंदर से धारें निकलती हैं जैसे विचार होते हैं, और वो धार जो चली जाती है, आजकल कुत्तों को भी पढ़ा दिया गया कि चोर का सूंघ लो चोर का इधर से और खोद सुलांगा फिर सूंघ करके दाग पकड़ेगा वो, इन कुत्तों को भी यह समझ दे दी कि वो चोर की ऐसी जो सू आती है वो उस रेडिएशन से पकड़ लेता है। तो आज का आदमी बड़ा वैज्ञानिक है, सब चीज़ जानता है, सब कुछ हो गया, पर उसको ये पता नहीं है कि मेरे में वो शक्ति है, मैं ईश्वरंश हूँ, मैं सोचूंगा वो हो जाएगा। तो करना क्या है, सुंदर सोचना है, हमेशा खुश रहने का ज्ञान है। जब तक आपकी ज़िंदगी हमेशा स्माइलिंग फेस खुश रहें, हर जो घटना आती है उसको सह लें, कोई अनहोनी नहीं आएगी आपके साथ में। अगर किसी ने आपका अपमान कर दिया तो शिलो मत नाराज मत होना, कभी पहले करा होगा आपने पहले किसी को, साथ वो बदला दे रहा है, बेटा बन के ले रहा है, दोस्त बन के ले रहा है, पड़ोसी बन के ले रहा है, तो आप उसको सह लो। वहाँ पाँच आदमी दिखा दो जैसे बिहार है कि भाई देखो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ठीक नहीं है, जहाँ तक उसका कंप्रोमाइज़ करो आप और कोशिश करो, फिर भी होता है तो समझ लो भाई देने देने का चक्कर है। यानी जो कुछ होता आपके साथ वो होता जो होना है, आपने पहले किया हुआ है। पत्नी को अगर तंग किया हो तो वो तंग करेगी, जब आप खाना खाओगे तो बोली तेरे बाप माँ नहीं जाके, तेरे बाप नहीं जाके, तेरी दादी नहीं जाके, फलाने नहीं जाके, रोटी कौन जाड़ देगी। आप दुकान में दिन भर काम करके आए हो कारखाने में कहीं और जाते बीस काल काटेगी, और अगर आपको ये सत्संग समझ आ गई तो फिर कोई बात हाथ जोड़ देगी देवी कोई बात नहीं मेरे को क्षमा कर दे। आप समझ दिया कि पत्नी नहीं है को पिछले दिन में मैंने इसको तंग किया है, पत्नी बन के आ गई, अब कहाँ काटूँ रोटी कहाँ खाऊँगा, निकाल दूंगा तो बहुत आफत आएगी। तो ज्ञान ये कहाँ मिलेगा, सतगुरु की हाट में मिलेगा आपको, सब तरह का ज्ञान मिल जाएगा जिससे आपको कोई डर भय चिंता फिक्र नहीं होगी और खुश रहेंगे आप, हर हालत में खुश रहेंगे। यानी मतलब किसी ने आपको कड़वी बात कह दी तो आप उसको कड़वी नहीं कहें, कबीर ने उसको इतने का ही छोड़ दिया, गारी आवत एक है उल्ट होत अनेक, कहे कबीर मत उल्टिए भाई एक एक, एक ने चार गाड़ काटी आप चुपचाप बैठे चुप, एक चुप सो सुख, आपने समझा इसके बस की बात नहीं है, गुस्सा कर रहा है। फिर बोलते भाई साहब अगर कोई और कुछ कह रहे हैं तो और कह दो, ये है। अब जब आपको समझ आ जाएगी ज्ञान आ जाएगी सतगुरु के अच्छे सतगुरु के से, तो फिर आप वो अगला शर्मिंदा हो जाएगा और वो करेगा नहीं वो काम, ये नहीं समझ में। तो घरों के अंदर कड़े है, घरों के अंदर कैसे शांति हो, तरक्की तो आपने इतनी कर ली, अच्छे कपड़े अच्छी बात सब कुछ अप टू डेट, और मुँह सुझा जा रहे हो, परेशानी में चले जा रहे हो, सड़क में दुखी होते जा रहे हो, ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा। तो ये सत्संग इसलिए है भाइयों, इस लोक में जब तक जीते हो खुशी, तो साधुवान तो ये कह दी सदा दिवाली साध के राठों पर आनंद, मैं कहता हूँ सदा दिवाली गृहस्थी का राठों पर आनंद। बात तो विचार बदलना है, साधु ने क्या करा विचार बदल दिया, तो पहले तो सॉन्ग करता था, ये अब कलयुग का जमाना आसानी है कि किसी सतगुरु पास बैठ के ज्ञान दे दो, तो मैं ज्ञान आपको क्या देना चाहता हूँ, आप तो मेरे पास आए, मैं आपको ये ज्ञान देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कैसे जीव आप, वो ज्ञान देने से मैं तो थोड़ा सा बोलूँगा, अभी इतना ज़्यादा नहीं बोल सकूँगा। जैसे यहाँ पर मनोज कुमार जी बोल दिए, डॉक्टर कमला जी बोल दिए, ये योगी हैं, ये काम करने के लिए आए हैं, दिल्ली के में ये काम कर रहा है मनोज, काम करेगा बहुत ज़्यादा, और इसी तरह डॉक्टर कमला जी ये काम करते रहे, और वो भी आपके अंदर है, वो राम नाम आपके अंदर घूमता, तो मेरे जैसे आदमी को चलते छोड़ता ही नहीं पीछा मेरा, पहले दिन गुरु का दर्शन करा उसी दिन से प्रकट हो गया, और वो भी कौन सा आखिरी, यानी यहाँ से लेके साधन यहाँ तक का मैं बता दूंगा, साधन बता दूंगा, संस्कार दूंगा, आप पूछने के लिए नहीं आए हो, न मैं जोर दूंगा उस पर, न पहले इधर इस दिन की को ठीक बनाओ, जाको दर्शन इत है वाको दर्शन उत, जाको दर्शन इतने वाको इतने उत, जो यहाँ सुखी है वो वहाँ भी सुखी है। इस जिंदगी अगर आप सुखी हैं तो जब श्री छोड़ी जाओगे तो अगली जगह ऐसी मिलेगी सुखी रहेंगे हमेशा, क्यों सुख के बीज बोए हैं ना, अच्छे बीज बोए हैं आपने, जो सोचा अच्छा सोचा तो वो अच्छा ही उगेगा, अच्छे घर में जाओगे अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा अच्छा काम लोगे, अच्छी तरक्की करोगे। तो आपने विचारों को सुंदर कर लो, और अभी इसी जिंदगी में नतीजा देख लो,
और यह किसी सतगुरु की शरण की हो जाएगा। आपके अंदर जबरदस्त शक्ति है, जो आप सोचोगे वही होगा। पर अच्छा सोचो, गुस्सा करिए तो घटिया सोचोगा, उसका फल घटिया है। ये बात पहले भी रामायण में लिखी है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा, मैं कह रहा हूँ, मैं खुदा हूँ, ये मेरा अनुभव है। रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी करें, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जिस घर में संपत्ति प्रेम है उसमें संपत्ति, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान सब कुछ, हर तरह की संपत्ति। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति ना दाना। जिस घर में रूसा मन्नी नाराजी मन मोटाव, भाई भाई का, पति पत्नी का, बाप बेटे का है, उस घर के अंदर वो बुरा सोचता है, ऊपर जाता है, तकलीफ आती रहती है। उसके अंदर एक आफत, दूसरी आफत, तीसरी परेशानी। ये बात पहले लिखी, अपने रामायण में चार लाइन रखी, छोड़ दी, उन ज्ञानियों के लिए लिखी थी। मैं ज्ञानियों के लिए नहीं बता रहा हूँ, ज्ञानियों के लिए बुक लाए हूँ मैं, आपको दूंगा तो आप पढ़ दिए। घर में आप पढ़ो, बेटा पढ़े, बहू पढ़े, भाई पढ़े, सब पढ़ लो। उसके अंदर वो बात जो लिखी है, वो बात अनुभव है मेरा। मैं कोई कथाकार नहीं हूँ, न रामायण भागवत वगैरह सुनता हूँ, न कभी सुनी, न मुझे मालूम। मैं सहज योगी हूँ, योगी का मतलब सहज में जो उसके साथ लग गया रहता टच, तो वो जो राम नाम बताते हैं, राम बताते हैं, उसके साथ टच रहता हूँ। आज से नहीं, 1956 से पहले दिन गुरु जी का दर्शन करने गया, उसी दिन उसके दर्शन से ही प्रकट हो गया, और वो अनुभव करता रहता हूँ। तो क्या कुछ बन गया? नहीं, बात मेरे समझ में आ गई, जिंदगी सॉरी होगी। सेना में अधिकारी रहे हूँ पूरी उम्र, कदे डर भय वगैरह सब खत्म हो गया, खुशी रहती है, उमंग रहती है। अभी उमंग से आया हूँ मैं, आपके मेरे कदर है। ये कदर नहीं कि मैं कुछ बढ़ा हूँ, कुछ है वो तो मेरे को ऊपर बैठा दिया आपने। आप ईश्वर अंश हैं, मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, और ये दर्शन करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैं उमंग में रहता हूँ, 93 साल का आदमी हो गया, पैरों से मेरे तकलीफ रहती है, कोई परवाह नहीं। कोई कहता जी तीसरी मंजिल पर है, चलो उधर चलता हूँ, और ये सेवा करने दर्शन करने के आता हूँ मैं आपके लिए। ये नहीं कि दर्शन देने के लिए, देने वाला तो मामला ही नहीं है, आप खुद ईश्वर अंश हैं। क्या कमी आप? अज्ञान है बेटी और भाइयों, वो अज्ञान दूर कराता हूँ कि घर को स्वर्ग बना लो। स्वर्ग नहीं, सुख हमेशा सवाली फेस, हर वक्त खुशी। तो साधु तो अपनी बात आती है, सदा दिवाली साध के आठों पर आनंद, उन तो साधु ही बात। मैं कहता हूँ सदा दिवाली गृहस्थी कर आठों पर आनंद। कोई साध अलग हो गया, वो पहली लैंड थी, वो सहेली थी, घर छोड़ के भाग जाना, भराग करना, ताकि सदा के लिए अमर हो जाए। अभी है वो सहेली, कब है? जब आपके पास सब कुछ हो गया, आनंद दे दिया सब, और इससे आप थक गए, कितने कितने बड़ा बनो फिर भी तकलीफ रहती है, जलमना मरना भी तकलीफ। तब आपके लिए वो अगली चीज़ है, वो आपके अंदर ही है, वो इधर ही इसी दिन की कर लो, आपके अंदर है। सिद्धियाँ आपके अंदर हैं, शक्ति आपके अंदर है, आप ईश्वर अंश हैं। आप चाहें तो इसी दिन ये मुक्त हो सकते हैं, जीते ही मुक्ति का अनुभव कर लो। क्या हो सकता है? मैं बैठा हुआ आपके सामने, 100% तो मैं नहीं रहता हूँ, कभी कभी मन के मंडप पर आ जाता हूँ। तो क्या कुछ बन गया? कुछ नहीं, सिद्धियों से ऊपर चला, सिद्धि शादी कुछ नहीं मेरे में, सिद्धि के स्थान पर ठहरता ही नहीं मैं। मुझे समझ आ गई, खेल मारे हूँ यहाँ पर। तो वो मैं आपको बताता हूँ, हर हमेशा खुश रहने का ज्ञान है। चाहे आप IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कुछ बन जाओ, शब्द को देखा मैंने भाई। इधर कबीर साहब कहते हैं, तन दर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदयस्थ की बात कह तुम सबका किया विवेका हो, घाटे बाद सब कोई दुखिया क्या गिर ही वैराग्य हो। तो घाटे बाद सभी दुखी हैं, गृहस्थी भी और बड़े बड़े महात्मा जी वो भी, बड़े बड़े अफसर हैं, उनको नींद नहीं आती, रात को गोलियां खा के सोते हैं, तजर्बा है। मैं उन अफसरों के साथ रहा हूँ, अफसरों के साथ, राष्ट्रपति को देखा, राजेंद्र प्रसाद के साथ 2 साल रहा हूँ, जब राष्ट्रपति बन गया राष्ट्रपति भवन में, मेरी गार्ड थी और मैं टेक्निकल अफसर जाया करता वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में, तो उनको भी देखा। 1.5 साल फिर उसके पास रहा हूँ, यानी पहले राष्ट्रपति के साथ 2 साल एक दफे रहे हूँ लगातार, और 1.5 साल फिर रहे हूँ, और मैंने देखा कि वो उसके क्या थे, बड़े खुश थे, लोग सलाम करने आते, प्रदेश से आते, देश के बड़े बड़े लोग मिलते, राजे महाराजे जाते, साहब हमने गलती से प्राइवेट प्रॉपर्टी सामने कर दी, हमको गलती कर दी, ऐसी ऐसी बातें सुनता। और जब उनको दमा चढ़ता था, दमा की बीमारी थी ऐसे, तो कपड़े काट के फेंक देता था। उस वक्त देखता रहे राष्ट्रपति ये बात, ओहो। तो कबीर साहब ने ठीक ही लिखी है, तंद सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तो मैं राष्ट्रपति को देखा, बहुत दुखी हो जाता थे, कपड़े काढ़ी फेंक देते थे और लोग पहनाते थे। तो राष्ट्रपति सबसे बड़ा हो गया ना, राजा का राजा था वो, तो उसकी हालत देखिए, कहते वो खुश था, बड़ा अच्छा चरखा काटता था, बहुत सज्जन आदमी था, अच्छी बातें करता था, और दमा चढ़ता उस वक्त, ओहो कोई अशुभ कर्म था इन्हें, कोई पिछले जन्म का अशुभ कर्म क्या था, राष्ट्रपति तो बन गए लेकिन यह कर्म भोगना पड़ेगा, उसका फल भोगना पड़ेगा। अरे समझे ना बात, तो बात का समझ आ गई।
और बड़े बड़े आदमी, अभी आप सब बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी के पास आए हम सबके पास, अच्छे आदमी हैं, डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक, यहाँ दिल्ली के बहुत से लड़के लड़कियाँ जो डॉक्टरी कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, वो सबका मेरे पास बहुत सूखा ताल्लुक है, सब तो नहीं बहुत सूखा, मेरा ये होगा तेरा ठीक हो जाएगा, तेरा ठीक हो जाएगा, ये जानता हूँ, ये बात करता रहता हूँ, आए ना समझ, तो मैं क्या देने के लिए आया हूँ, आपको चिताने के लिए आया हूँ कि आप इंश्योरेंस हैं, भेंट मत पढ़ो, भेंट नहीं आप शेयर हैं, आप में बड़ी शक्ति है, क्या मैं आपके विचार में क्या प्रूफ है, ये पूरा गांव पर छेड़ा, देखो ये बाटी का कितने बढ़ाई है, आदमी तो बढ़ाई होगी, देखो इतने बैठ के सत्संग ले रहे हैं, कितने प्रबंध है सब, देखो कितना सामान रखा करा, क्या आदमी ने बढ़ाई होगी किसी ने, तो इसी तरह से पूरी दुनिया का जो मकानात वगैरह जो कुछ बनाया सब ऐसे ही मनुष्य ने बनाया, और मनुष्य के अंदर वो परमात्मा, और मनुष्य को पता नहीं, उसको पता नहीं क्यों, कि उसकी शक्ति है विचार में, और वो जब नाराज होता तो उठपटांग सोचता है, और वो तकलीफ होती है, उस घर में आफत आती है, लिख दिया पहले महात्मा रामायण में लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास ने, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नादाना, जिस घर में संपत है प्रेम है सब समाधि फेस रहते हैं, कोई मुँह सुझा के नहीं रहता, कोई नाराज नहीं बैठा, और बड़े बुजुर्ग जो है वो नाराज हैं क्यों, बड़ा का मान नहीं करते, तो घर में ही है, क्या घर में है, पहला गुरु माता गुरु पिता, जो माँ बाप हैं वो ज्ञान देने वाले बच्चे को, नहीं बेटा काला हाथ मत कर खराब हो जाएगा, ना बेटा ऐसे नहीं बोलिया करते, भाई है ये चाचा जी हैं, फिर चरण चरण स्पर्श कर लो, आशीर्वाद ले लो, पहला गुरु कौन हो गया, माँ बाप, बाप बोलता ना बेटा ऐसा करो ऐसा करो, तो उनका बदला आप दे नहीं सकते, कितने आप में हैं जो सुबह जाने से पहले अपनी ड्यूटी पर दफ्तर में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, डॉक्टर हो इंजीनियर हो, जाने से पहले अपने माँ बाप का चरण स्पर्श करते हो, कहते हो आशीर्वाद दो सुखी रहो, कितने आप में कितने भाई भाई, अपनी सोच रहे हो, मैंने पता है हाथ खड़ा करने की जरूरत है, मैं जानता हूँ देवी मान जाना है, हम देवी जो, मैं आपका आदमी हूँ, आपका आदमी हूँ, घरेलू आदमी हूँ, मुझे इसलिए घरेलू बात कर रहा हूँ, आपको महात्मा नहीं हूँ, कोई महात्मा तो ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई सांग होता मैं सांग ही नहीं हूँ, मैं आपके पास आया हूँ और आपको ईश्वरंश जान की बात कर रहा हूँ, आप ईश्वरंश हैं, आपके विचार में बहुत शक्ति है, तो विचार सुंदर करा करो, जब विचार आएंगे घटिया गुस्सा नाराजी का काट दो, क्यों क्यों सोचता हूँ ये घटिया जो विचार आएंगे तो दुख पाऊंगा, ऐसा कर्म होगा मेरे मन के प्रतिकूल घटना घटेगी, तो आप छोड़ देते, जैसे आग पड़ी हुई है तो आप जाते उसके ऊपर नहीं जा, पैर नहीं रखोगे, चल दिया आग का खीरा है, पैर जल जाएगा तो आप ऐसे चल जाओगे, जब आपको इस मेरी बात का ज्ञान हो जाएगा और आपको गुस्सा आएगा अपने बाप पर एक बेटे पर एक भाई पर ज्वाई पर एक पत्नी पर, तो उस वक्त ये मेरी बात याद आएगी, वो गुरु है मैं गुरु नहीं हूँ, इसका नाम विवेक है, आपके अंदर ही सवाल आएगी, कह रहे कैप्टन बताया था, माँ को ऐसे बोल रहा तू, चरण स्पर्श करे माँ माफ़ कर दे मेरे को, तो सुबह के टाइम पर जाने से पहले चैरिटी बिगिन एट होम, दान घर से ही शुरू होता है, गुरु माता गुरु पिता माँ बाप को चरण स्पर्श की को और को आशीर्वाद दो, मैं ठीक हो जाऊँगा, नहाल हो जाऊँगा, कोई कमी रहेगी आपको, क्यों वो दिन भर बैठे रहते हैं, वो दे मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बहू ऐसी ऐसी, और बेटियाँ कितनी जो सास को सुबह चरण स्पर्श करती हैं, लड़ाई झगड़ा भूल जाती हैं दिन का, कितनी जो सुबह के टाइम पर चरण स्पर्श करती हैं, तो आप क्या सोचते हो कि आपके बुआएंगे तो आपका पैर दबाएंगे, अगली छोरी मारेंगे आगे होंगे ज़्यादा, अब मारें तो कोई नहीं कम से कम, अरे भाई गिव एंड टेक का सिद्धांत ही साथ से दो से ले लो, हम देते तो दुख चाहते हैं सुख, कबीर साहब ने इसको एक दोलन में बता दिया, बाए पेट बबूड़ के तो आम कहाँ से खा, तुमने बाए तो बबूड़ आम खाना चाहते हो, हाँ कहाँ दुख दिया दुख लो, समझे कि जो देते हैं वही मिलता है, गिव एंड टेक, जो ही साथ से दिया साथ से मिल जाता है, तो बेटियों जब तुम आप भी बेटी हो, अगर आप सास को सम्मान नहीं करती, उनकी सेवा नहीं करती, कपड़े नहीं धोती, उनके बाल नहीं बाती, मम्मी जी नहीं करती हो, दिल खुश नहीं करती हो, तो हवा खाओ, और यही आप भाई लोग, अगर आप पिताजी तो फिर आप कोई IAS बन गए, कोई अफसर बन गए, कोई कुछ बन गए, और तो ठीक है तो चार दिन के लिए बन गए, कोई बात नहीं, अपना वो अपना अच्छा कर्म कराया हुआ है, लेकिन आप सुखी नहीं रह सकते, आपकी औलाद नहीं करेगी इस तरह से, आपने अपने पिताजी का बदला नहीं दिया, माँ बाप का बदला उतार नहीं सकता, तो सुबह ही पहले ये है, बाद अब बा नसीब बेद बे नसीब, समान करता वो धनवान बनता, किसका करो पहले घर में तो करो, हम हिंदू हैं चाहे कोई भी हो, हिंदू मुसलमान मेरे तो सब बराबर है, मनुष्य जाति का ज्ञान है मेरा, ज्ञान किसी एक पंथ का नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरी दुनिया के जितने देश है सब पर लागू होती है यही बात, भाषा अलग है बात अलग है, सब मनुष्य दुखी इस बात से ज्ञान है उनको, और ज्ञान के अंदर वो घटिया सोचते हैं गुस्सा करके, और घटिया का फल मन के प्रतिकूल घटना घटेंगे,
और जो अच्छा अच्छा बोलते हो उमंग खुशी प्रेम सेवा सहायता का जो विचार है आपके नरम खुशी के, तो उससे आपके मन के अनुकूल घटना घटेंगी और आप खुश होंगे। यह दुख और सुख है, दुख और सुख आपके बड़ा दुख और सुख है। तो आप जब दुख से दोगे नहीं तो फिर दुख आएगा कहाँ से? ये बात समझ में आ जाए, समझने की बात है, ये बुद्धिमानों की है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बात फिर बुकें दे आएंगी आपको। कप्तान साहब ज्वारे में पहले कहा कप्तान साहब मैं आऊँगा दिल्ली सत्संग दे दूँगा आपके, लेकिन आपके नियर और डियर उनको बुला लेना जो प्यारे हैं, और उनको आपने ये पुस्तक देनी है 8,000 से कुछ ऊपर का एक बंडल है, कोई पुस्तक 10-10 रुपये की, कोई 15 की, और उसमें ज्ञान है कौन सा जो सब शास्त्रों का निचोड़, गीता रामायण महाभारत भागवत कुरान शरीफ बाइबल सब ज्ञान सब धर्मों का ही ज्ञान, और वो सीधी सादी भाषा में लिखा है। तो मैंने कहा वो बांटोगे तब मैं आऊँगा, बोला जी मैं कर दूंगा ऐसे काम, पहली पहली करके आया हूँ ये बांट रहे हैं। आजकल मैं मुआवजा ले जाकर, पहले मैं ऐसे ही बोलता था, डॉक्टर कमला जी बोलते हैं आप मुफ्त में ज्ञान देते हो तो क्या करूँ, मेरे पास खाने पीने तो रोटी है, मैं अधिकारी हूँ मुझे 50,000 रुपया मिलते हैं, मेरे बेटे पोते सब सब कमाते हैं, घर में कोई सब नौकरी आदमी है, राजस्थान है वहाँ रेत है कुछ पैदा होती नहीं ज़मीन में, तो सब हम नौकरी करते हैं सरकार टीचिंग लेने पर, कोई टीचर है कोई लेक्चरर है कोई प्रिंसिपल है, सब अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और मुझे 50,000 मिल जाते हैं। मैं 93 साल का हो गया अभी, अब मेरे को एक रोटी सुबह खाता हूँ, कभी डेढ़ खा लेता हूँ, कभी कभी डेढ़ खाता हूँ तो एक खाता हूँ, और एक पाव दूध सुबह एक पाव शाम को, यह मेरी ज़रूरत है, तो पूरी मिला हुआ मेरे को सब। आया हूँ आपके दर्शन करने के लिए, पहले सुन लो, ज्ञान देने के नहीं आया हूँ, आपको दर्शन करके बताने के लिए आया हूँ कि आपके अंदर आप ईश्वर से, आपके अंदर वो ज्ञान है, वो आपका जो विचार है उसको सुंदर कर लो, आपकी पूरी दुनिया सुंदर हो जाएगी। घटिया बात सपने मत सोचो, किसी की निंदा मत करो, वो खराब है वो क्या चरित्र खराब है, खराब है तो आपका खराब हो जाएगा। जब तू होता किसी शख्स पर ऊँक सुनवा, उंगलियाँ तीन झुकी रहती तेरी जानब, तीन आंगली तेरी तरफ है, गुंठा नुटर ये है। जब उंगली करता कि ये वो खराब आदमी है तो सब वो खराबी आप में आ जाएगी, आप समझेगी नहीं। तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, वारी तेरे नाम की जिद देखूंगी तू। तो किसी की निंदा करना अपना काम रोज का है, अपने तो एक तरह का वो है अचार है, दो चार की निंदा नहीं करें तब तक शांति नहीं आती। और बेटियां तो खुद खास हैं, कोई चीज़ देखी जाके बोले बुआ जी बात सुनो, पर सुनी थी उनके घर में ही मेरी बात सुनो काकी जी ये सुनी थी, 5-7 को नहीं बताऊँ तो रोटी है दमको ने, तो पब ऐप ले लिया बेटी हो, ऐप मत देखो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑलवेज सी द ब्राइट साइड ऑफ, आदमी की ब्राइट साइड देखो, अच्छी चीज गुण देखो, गुण के गायक बढ़ो, ओगण मत देखो ना, ओगण से तो भरा पड़ा दुनिया, ओगण देखोगे तो ओगड़ा जाएंगे, गुण देखो तो गुणा जाएंगे, ठीक है कि नहीं। जो चाहते हो तो हमेशा किसी का ओगण मत देखो, और घर के अंदर आपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो, और आज से नेम कर लो कि मैं नाराज़ हूँ नहीं, अगर सास नाराज है तो मैं राजी करूँगी, मम्मी बता दे मेरे को क्या तकलीफ है, मैं ठीक कर दूँगी, नाराज नहीं देना, प्यार से रखो, जितना प्यार सुख दोगे सुख मिलेगा, जो कुछ दोगे सो मिलेगा। किसको दो? अपनी सास को दो, अपनी दुरानी जिठानियों को दो, अपने परिवार को दो, अपने पीर वालों को दो, अपने पड़ोसियों को दो, जो आपकी पूंछ है वहाँ तक दो। अगर ऐसी बात नहीं होती तो मैं इधर हाथा नहीं गाँव गाँव नहीं घूमता, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं आपको तो मेरी अनुभव बता दूँ, सबका सब फिर आपकी मर्जी है, मैं हड़का रहता हूँ, खुशी रहती है मेरे को, ये मेरे साथ रहने वाले जानते हैं मेरे को, खुशी उमंग रहती है। इस आने की मुझे इतनी खुशी थी, कैप्टन साहब लाए थे अच्छा खाना ये खाओ ये खाओ ये खाओ, और मेरे ये लगन ये थी मैं जाके बैठूँ स्टेज पर, और जो बेटा बेटियाँ इंतजार न करें शुरू कर दूँ वो काम करो, अरे भाई आपको जब बताऊँगा तो फिर अड़काव जाऊँगा चले जाऊँगा, और कल फिर दूसरी जगह बताऊँ, परसों फिर बताऊँगा, फिर यहाँ से मुरादाबाद चले जाऊँगा, 4-5 वहाँ सत्संग दूँगा, फिर मैं वहाँ चले जाऊँगा शामली, शामली से यमुनानगर, यमुनानगर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो अच्छे डॉक्टर है एक पीजीआई का डॉक्टर है वहाँ पर रतिराम करके, तो उनके घास सत्य और दूंगा, अच्छे अच्छे आदमी एडवोकेट उनको दूंगा, यानी विद्वान लोगों को ये पुस्तक देता हूँ, वो पढ़ते हैं मेरी सब, इंटरनेट पर हूँ सब तरह से बुकें भी सब कुछ, और वो लोग पढ़ते हैं काम करते थे। तो मैं आज इसलिए आया हूँ कि आपको जो मेरी बात अच्छी लगे वो तो ठीक है, और घटिया लगे तो मुझे माफ़ कर देना, अगर मैं कोई घटिया बात कहता हूँ तो माइंड मत करना, मनुष्य ही तो हूँ, तो मेरे को बूढ़ा जान के माफ़ कर देना, आप समझे ना बात। गुरुओं को सबको मैं प्रणाम कराया गया, गुरुओं मैं ये लिख रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाता किसी के अंदर कुछ नहीं, मेरा रूप जगह जगह जाता है, अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा, मेरे को बता देना था कि मैं बताऊँगा नहीं, आप कृपा करिए मेरे को मार्गदर्शन करना, ये नहीं कि मैं जानता हूँ वही सब है, आज भी क्या जान सकता हूँ उसकी लीला को, अपरम पार है उसकी लीला, परमात्मा की लीला कोई मनुष्य जान नहीं सकता,
बहुत बड़ी शक्ति है, वो शक्ति है और वो शक्ति का अंश आप है, इस लोक में कोई है तो। एक तो ये बता दी कि आपने अपने विचार को सुंदर करना है और घर को शांत करना है। जिस घर में रहते हो सबको माफ़ कर दो और सेवा करो। मनुष्य की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। क्या कहा मैंने, सर्विस ऑफ द पीपल इज सर्विस ऑफ द गॉड। मनुष्यों की तो सेवा करते हो, सबकी तो कर नहीं सकते। जो पांच चार आदमी आपकी माँ है, बाप है, सास हैं, ससुर हैं, उनकी सेवा करो। तो हम घरों में रहते हैं ना, तो अपने घर वालों की सेवा करो। और जो ज़्यादा कर सकता हो और कुछ ज़्यादा करो। दुकानदार हो तो सब मोहल्ले की सेवा कर रहे हो, लाला की दुकान क्या चीज़ चाहिए भैया रखो। हम सब सेवा कर रहे हैं, जितने मनुष्य यहाँ पर राष्ट्रपति से लेके और स्वीपर तक सेवा कर रहे हैं। स्वीपर अगर सड़कें बाहर नहीं साफ नहीं करें तो गाड़ियाँ कौन चलेंगी, सड़क कमर इतना था ढेर पत्तों का लग जाए, गाड़ी नहीं चलेंगी। वो भी सेवा कर रहे हैं और राष्ट्रपति भी सेवा कर रहा है। हम सब सेवा कर रहे हैं, सेवा के लिए आए हैं। किसकी सेवा, मनुष्य की सेवा ही उसकी सेवा है। तो और सबके लिए छोड़ के पहले अपने घराने की करो, चैरिटी बिगिन एट होम, और उनसे आशीर्वाद दो। उनमें शक्ति है जो आप में, आप माँ को खुश रखते हैं, बाप में पिताजी को खुश रखते हैं, सुबह के टाइम पर चरण स्पर्श करते हैं कि बापू मेरे को आशीर्वाद दे, मेरा ये काम दुकान चले, मेरे को आशीर्वाद नौकरी मिल जाए, आप आशीर्वाद दो मेरा तकलीफ दूर हो जाए, आशीर्वाद दो उनसे और प्यार से लो, सम्मान करो। तो कल से ये काम कर लेना और छोड़ो। अगर होता तो कल से सुबह ही जो बड़े आदमी आप अपने जो बाप दादे बड़े हैं भाई लोग उनको कर जाना, बेटियाँ अपनी सास ससुर वगैरह बड़े जो उनको चरण स्पर्श कर लो, और शाम के टाइम पर बूढ़े सास ससुर हैं थोड़ा दबा दिया करो। आप कोई भी बड़े अफसर हैं, डॉक्टर हैं, कोई बात नहीं, पिताजी हैं तो थोड़ी देर के लिए उसकी शरीर से सेवा कर देना, विशेष लाभ मिलेगा। छोटा बन जाना, एक जगह चाहिए था सर झुका दें तो मूर्ति के सामने तो सर झुकाते हैं सब, लेकिन जो जीवंती मूर्ति बैठी है उसके सामने नहीं झुकाते भाई। जो घर में बैठा पिता मूर्ति के सामने बैठा, आपको पाया है पोछा है, जो हेरा फेरी करी है उसका तो फल वो भोगेगा और आपको ला के दिया पालन पोषण किया। इसी तरह से आपको जो आपका पति कमा के रहता है वो जो फल तो वो भोगेगा और आप लोग अन्न ले रहे हो। तो उसके स्त्री के लिए पति देवता है, आता तो पहले उनको भोजन कराओ फिर भोजन करो, और जाकर पीछे पहले कर जाते हैं तो बात अलग, समझिए बात। तो घरों के अंदर सम्मान करो, तो घर में करोगे तो दूसरी जगह करोगे, और घर में नहीं करते तो कहीं नहीं करते। एक बात फायदा हो। दूसरी बात है, इस दुनिया को सुंदर बनाओ, अच्छा खाओ और अच्छा पियो और सुख बढ़ने की कोशिश करो, और जब मेहनत करने के बाद जो कुछ बन जाने फिर खुश हो जाओ। अगर दो ही कमरे बढ़ा सके तो समझो महल है वो, अगर खुश हो तो दो कमरे महल से ज़्यादा अच्छे हैं। महलों वाले तो लड़की कट कट के मरे, जब बड़े बड़े गढ़ हैं ना कबूतर बोले आजकल पप्पू उड़ते फिरे, गढ़ खत्म हो गए। तो छोटा सा घर है और अगर खुश हैं आप तो निहाल हो गए, महल से अच्छे हैं आप। पर कोशिश ये करो बड़ा बढ़ने, कोशिश करो अपनी हस्ती सारू, अपनी जरूरत से ज़्यादा अपने आमदनी से ज़्यादा खर्चा मत करो। आप गृहस्थी हैं, मैं वो फकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ जो घर छोटी की बातें फिर रुसे फिरें, वो आज के ज़माने में फेल हो गए सब। सब काम करें तो यहाँ हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं सब काम करते रहे, उस टाइम से राजे महाराजे वो भी आध्यात्मिक बड़े हैं, सब काम करते रहे, काम अपनी ड्यूटी करते रहे। तो ड्यूटी पहले करते जाओ और परमात्मा आपके अंदर ही है। अनुभव करना चाहते हो तो मामूली बात है, अगर आपके पास खाना रोटी पहन कपड़ा सब कुछ है और अनुभव करना चाहते हो तो आप यहाँ से करो, इस जगह पर ध्यान करो। ये माथे टिक्कियाँ लगाती तो बेटियाँ यहाँ पर इसको सहस्त्राकार कहते हैं, मेरी तरफ देखो रे, इस जगह ध्यान करो। कब, जो थोड़ा चरित्र भी ठीक है, शक्ति भी है, ब्रह्मचर्य की शक्ति चाहिए इसमें, ये नहीं कि ब्रह्मचारी ये सब खो दिया मेरे को अज्ञान के अंदर और फिर ध्यान करोगे तो पागल हो जाओगे। फिर उसके कुंजी और है, उसके लिए क्या है, केवल विश्वास रखो। एक जगह एक विश्वास रखो, मन माई नानक सरोवर कट जाए। तुम साधन नहीं कर सकते, बुढ़ापे की उम्र आ गई, छोड़ दो। केवल विश्वास रखो, किस जगह रखो, आपका जिक्र वहाँ रखो, राम में रखो, कृष्ण में रखो, देवी में रखो, किसी में रखो, एक विश्वास बस। आपको कुछ करना है कि मेरे साथ है तो साथ ही रहेगा आपके। और जब शरीर छोड़ते हो उस वक्त तक वो चीज़ आ जाएगी जो आपने गुरु बना रखा है, फिर तो वो आप अच्छे घर में जाओगे, अच्छे होगे, फिर बाकी कमाई बाद में करोगे। आई समझ बात। आप लोग जो काम करते हो घरों के अंदर, घरों को सुख बनाओ, सुख के लिए बनाओ, सुख दी। तो घर में एक तो जबान कर लो कि आज से आगे मैं कभी कड़वी बात नहीं बोलूँगा, न पति को बोलूँगी न पत्नी को बोलूँगी आप, और अच्छा बोलोगे, सम्मान करोगे, सम्मान करोगे तो बच्चे सुनेंगे कि देखो बापू जी आके माता जी को कैसे करें, कहते देवी क्या करी और लक्ष्मी, ये अच्छी अच्छी बात बोलोगे आपके बेटे सुनेंगे, वो ऐसे बोलेंगे। अगर आप आते कहोगे तो ऐसी है वैसी है ऐसी है वैसी, तो आपका बेटा भी वैसे ही करेंगे। इसलिए वो बच्चों के सामने तो आपको ये बात नहीं करनी, मुँह अच्छी बात बोलना। दूसरी बात,
कभी मन मनी मन में बुरा मत सोचना, नहीं वो विचार ऊपर चल जाएगा ब्रह्मांड में, आएगा तो आपके मन के प्रति बिल्कुल घटना घटेगा, दुख आएगा घर में, आप दुखी होंगे देख करके, आपके विचार में शक्ति है वो, तो कभी बुरा नहीं सोचना, किसी मनुष्य मात्र का बुरा मत सोचना, सोचना कि बेचारा कर्म देखे ऐसे ही, परमात्मा जी को माफ़ कर दो, बस ऐसे देख रहा है कि परमात्मा है सबके अंदर और आपको बुरा मत मानना, मन को साफ कर लो, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचोगे आपका बुरा हो ही नहीं सकता। कहते जोर जिसको रखे साइया मार सके न कोई, बाढ़ न बांका कर सके जो जगबेरी हो, जो जिसका मन साफ है और जो उसके भरोसा रखता है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, कितने जतन करो, कहते बाढ़ भी बांका नहीं हो सकता, चाहे पूरी जगबेरी हो जाओ, क्योंकि वो तो एक है ना परमात्मा सब जगह है और वो आपके अंदर है, वो उनके अंदर आपकी रक्षा होगी, वो ये विश्वास बैठ जाए आपको परमात्मा मेरे साथ है, फिर किसका डर, किसकी बेईमानी, किस भाई से बेईमानी, किसका बुरा चाहना, जब परमात्मा ही आपके साथ है हमेशा तो हमेशा सुंदर सोचोगे, सुंदर बोलोगे, ये विश्वास, कहते हैं खुदा के पास होने का यकीन मुश्किल से आता है, वगरना खुदा ही पास है तो व्यक्ति कैसी, अरे परमात्मा जो साथ है उसका विश्वास नहीं आता, अगर वो विश्वास आ गया फिर किसकी डर, किसकी चिंता, जब वो साथ है आपको तो आपको कोई भय नहीं किसी तरह का, कुछ नहीं, अभयपद है ये, तो विश्वास के अंदर शक्ति, अगर आप साधन नहीं कर सकते तो मत करो, विश्वास रखो एक, क्योंकि अभी नहीं साधन कर सकते, ब्रह्मचारी की शक्ति गिर गई है ज़्यादा और शक्ति नहीं है दिमाग में, जब ध्यान करोगे तो उस वक्त नस्ता पर ताकत पड़ेगी और मेंटल हो जाओगे, समझे ना बात, एक विश्वास रखो, एक विश्वास रखो मनमाई नानक सर्व रोग कट जाएं, ये किन के लिए जो साधन नहीं कर सकते, जिनके अंदर ताकत है ब्रह्मचार्य की, वो ब्रह्मचार्य का पालन करो और पहले स्थान के ऊपर जो इच्छा करो दुनिया की चीज़, जो गाड़ी घोड़ा मकान दुकान हाट हवेली सब कुछ ही स्थान मिल जाएगा, जो सतूल चीज़ है वो आपको सब मिल जाएगी, इधर ध्यान का कारण मिलती है सबको, सोचते हो वैसे होता है पर लगातार सोचो अच्छी तरह उसी का ध्यान रखो। दूसरा नंबर आगे का है ये माथे के बीच के ऊपर की तरफ, ये माथे के बीच तक है, इसको नाम दिया हिंदुओं जो हिंदू ऋषि मुनि थे सबल ब्रह्म, सबल ब्रह्म मानिए कि तुम ध्यान योग से शक्ति को बढ़ा लो और तुम जबरदस्त बन जाओगे और सोचोगे वही होगा, तो ये यहाँ से लेकर के पहले स्थान पर जब ध्यान बढ़ेगा पीले रंग का प्रकाश और मंदिर में जो घंटी बजती है टन 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 ऐसे घंटी बजेगी, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या बताते हैं घंटी बजाते हैं ना कि प्रवेश करिएगा, तो इस मंदिर में जब दाखिल हो जाओगे तो घंटे की आवाज़ सुनेगी और साथ साथ आपको पीले रंग का प्रकाश आ जाएगा, तो समझ लो ध्यान बढ़ जाओ, तो सोचोगे वही होगा, अगर बुरा चाहोगे पति का तो बीमार हो जाएगा, जैसे वो जबलपुर की एक औरत की मिसाल दे रही थी डॉक्टर कमला, तीन बच्चे तीनों मर गए क्यों, वो लाल रंग के प्रकाश में ध्यान करती थी और उनके गुरुजी ने बताया उसने माना नहीं और वो ज़्यादा ध्यान करती ध्यान से वो बच्चे थे रहे कुछ तीन, तो आप में वो साथ साथ बढ़ जाओगे, अगर ध्यान बन गया और घटिया सोचोगे तो वो घटिया होगा, तो वो आदमी करे ध्यान जिसके मन में किसी के प्रति हेरा फेरी और द्वेष न हो, ईर्ष्या द्वेष नफरत न हो, मन साफ हो, सबका भला चाहता है, वो ध्यान करो ताकि आपके अंदर वो शक्ति बढ़ेगी ना भलाई भलाई करोगे, और नहीं तो दोनों काम हो भलाई बुराई दोनों होंगी, आज कर करते हैं हम गुरु आ जाओ नाम ले लो नाम ले लो, नाम तो इकट्ठा मन इकट्ठा करने की चीज़ बता दी और साथ साथ मन साफ को तो दोनों काम घर में झगड़ा चल रहे हैं, तो गुरुओं का चेला भी हैं लड़ते भी मुकदमा करते हैं माँ बाप सब कुछ बोल, पहला काम है ज्ञान और फिर ध्यान, ज्ञान देख कर किसी गुरु से किसी से जिसको आप चाहते हो, क्यों मैं तो कोई गुरुआई करता नहीं हूँ, मैं तो आपको बताने के लिए आया हूँ, आपके दर्शन करने बताने के लिए आया हूँ यहाँ पर कि आप ईश्वर अंश हैं, मेरा अनुभव है और शक्ति आप पैदा करते हो, राम को आप पैदा करते हो, देवी को आप पैदा करते हो, कोई देवी नहीं आती, जब मेरे को पर लोग प्रकट कर रहे तेर में नहीं जाता तो मैं कैसे मानूँ देवी आ गई या मैं कैसे मानूँ भूत आ गया आपके अंदर, समझे कि नहीं, आपके अंदर शक्ति आप अच्छे सुंदर मन रखो तो कोई भूत प्रेत देखोगे नहीं, अच्छी अच्छी चीज़ देखोगे, गुरु पीर देवता देखो, तो आप शक्तिशाली हो, पहला ध्यान से ये होगा। दूसरा माथे के बीच में ध्यान करने से जो ज्ञान चाहते हो, जो आज का विज्ञान है वो यहाँ तक ध्यान करने से है, लेकिन उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए ब्रह्मचारी तो ध्यान कर सके, यहाँ ध्यान करने से जो ज्ञान चाहते हो इस लोक का ऊपर ये लोकों का वो ही आपके सामने आ जाएगा, उदाहरण मेरी तो उदाहरण क्यों तो छोटा आदमी हूँ, महाभारत तो सुनते हो आप, धृतराष्ट्र युधिष्ठिर कहता है वो अंधा कहता रहे संजय मेरे पुत्र पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो कहता राजन दोनों तरफ से सेना तनी खड़ी तो उसके बाद दूरबीन तो नहीं थी,
इधर ध्यान किया और सामने वहाँ कुरुक्षेत्र का लड़ाई का मैदान आ गया और वो था वो ये चेक करे फलाना योद्धा फलाना करा फलाना योद्धा फलाना करा फलाना योद्धा फलाना करा वो शक्ति आप में है लेकिन ब्रह्मचारी गिणी के कारण हमारे खो दिए। अभी अगर बढ़ाना चाहते हो तो यंग लड़के वो उठाओ और जो बच्चे बढ़ाओ उसको साथ और आप करो। ये हमारे ब्राह्मणों का मंत्र ही है, ब्राह्मणों का मंत्र था ब्रह्म आचरण करना। ब्रह्म क्या है? प्रकाश। तो ब्राह्मण कहते ओम भूर भय स्व तत्सवित्र ब्रह्म भृगो देव से धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐ मनुष्य तू जागते सुपने सुस्पति से आगे जो सूर्य है यहाँ पर उसका दर्शन करो तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी, तुम आप कर सकते हो इसे। ये आगे की चीज़ है। तो दूसरे नंबर पर तो चीज़ चली यहाँ पर मस्ती आएगी आपको माथे के बीच से थोड़ा ऊपर, इसको सुन कहते हैं नाम पर और इसको कहें यहाँ पर शुद्ध ब्रह्म। हिंदू ने नाम दिया शुद्ध ब्रह्म। तो इसको ध्यान करने से आपको क्या हो जाएगा? इधर एक मस्ती आएगी, मन काम नहीं करेगा, मस्त रहोगे, नशा सारे दिन नशा बना रहेगा। हर काम करोगे दुकान का मकान का अफसर रहोगे हंसते रहोगे और काम करते रहोगे खुशी होगी। उससे क्या होगा आपकी सिद्धि शक्ति रहेगी और बस खुश रहोगे बिल्कुल सारे दिन दुख का नाम ही नहीं। किसी दो गाड़ भी काट दी बोले यार और काट लो एक दो आपका जी सुरा वो गुस्सा नहीं करेगा, मस्ती रहेगी खुशी बेफिक्री। और ये जो ध्यान करिए ये तो सबल ब्रह्म क्या गए शुद्ध ब्रह्म है, मन शुद्ध हो जाए और फिर यहाँ पर ध्यान करते हो और उससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो उसको कहते हैं सोहम। सोहम का मतलब मैं वही हूँ। क्या मतलब? वो जो प्रकाश देखते हो वो सफ़ेद रंग के प्रकाश का ध्यान करना यहाँ से लेकर इस बाल मिलने तक है। प्रकाश का जो ध्यान करते हो यहाँ पर मस्ती खुशी बेफिक्री बनी रहेगी आप। और उसके आगे जब चलते हो इसके आनंद लेने के बाद तो फिर वो आगे ज़बरदस्त प्रकाश आ जाता है। तो वो सतलोक माता जो क्रिएशन जितना भी उसकी प्रथाई से है, सूर्य की प्रथाई से ये लोक मंडल आज कुछ जीव जंतु जितना बढ़ता अन्न वगैरह सूर्य की बुद्ध की विस्पत जो ग्रह है ना उनकी रेत से बनता है। ये जहाँ पर ध्यान करते हैं तो प्रकाश आ जाता है इसको, इसी को कहते हैं परब्रह्म। इसी से पैदा होता है सब ये लोक के अंदर जो चीज़ होती है वो आप यहाँ अनुभव कर सकते हो। और सदा के लिए चाहते हो मुक्त हो जाऊँ, दोबारा आना जाना मरना जाना तो तकलीफ है, सदा के लिए अमर हो जाऊँ जीवते ही मुक्ति प्राप्त कर लूँ तो फिर आगे थोड़ा आगे ध्यान करो। जो बच्चे का ताड़वा टिप टिप करता है ना छोटे बच्चे का उस जगह आपका ध्यान चला जाए। और ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए साथ साथ, ये नहीं होगा सेक्स भी आप कामुकता भी भोगोगे तो शक्ति नहीं रहेगी आप में, दिमाग में खराबी आ जाएगी। यहाँ से तो बच्चे का ताड़वा टिप टिप करता है छोटे का, इधर ध्यान करने से इसको कहते हैं अलख निरंजन। ये साधु कहते हैं अलख निरंजन, यानी उसको क्या करे देखा नहीं जा सकता, आप उसको अनुभव कर लो, बताने से वो आवाज़ स्वाद नहीं आएगी, बताई जा नहीं सकती वो चीज़, अनुभव करने का है। तो यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा एक मीठी आवाज़ आ रही है जिसको राम नाम कहते हैं टोन धुन, मीठी मीठी धुन आ रही है और उस धुन को सुनने वाली या बोल रही है चीज़ आपके इंद्रिय स्वरण से वो है, वो आप सुनते रहेंगे और कोई बात नहीं। तो यहाँ से फिर सफर अगला है, सफर चोटी तक का, इस सफर का नाम अगम है। यहाँ से इस पर चलता रहेगा आप क्षमता आ जाएगी आपके अंदर, सब धीरे धीरे सब काम हो जाएंगे आपके, काम अपने आप परमात्मा अमृत से होते रहेंगे। और फिर आखिरी टाइम पर आप चोटी के पास जाओगे तो वहाँ पर आप एकदम गोता मार जाओगे जो शब्द सुन रहे हो राम नाम आ रहे हरण धुन वो भी नहीं आएगी और जो सुनने वाली चीज़ भी नहीं होगी, यानी वो उसमें मिल जाएगी। अगर बूंद है तो पानी में मिलगी समुद्र का रूप हो गया, अगर किरण है तो प्रकाश में मिलगी। तो बात धुन जो है बात नहीं तो बूंद है नहीं कुछ और है वह है सो है बताई नहीं जाती, बता नहीं सकता, ये समझ लो कि वो तत्व है वही है सब काम कर रहा है, वो उसकी धुन के अंदर मिल जाएगा और उसी में अमर बढ़ जाए। फिर वापस आ जाओगे और काम करोगे क्यों कि प्रारब्ध कर्म बाकी हैं वो भोगना पड़ेगा आपको, तो जीवित मुक्त रहोगे आपको। बाहर का गुरु सत्संग करा देगा कि अब तू जब तक रहता है तो देखता रहा सब परमात्मा सब के अंदर, जिधर देखता सब वही खेल रहा, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय मैं जलवा तेरा हूँ। हर मुसलमान कहते ला इला इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, और हिंदू कहते हैं कि तेरे सिवा और कुछ नहीं है, एको ब्रह्म दूते नास्ती। तो वो आप देखोगे सब चोर भागा जा रहा पकड़ लो तो आप इधर बैठे और जीवित मुक्त अवस्था के आदमी आप बोलोगे परमात्मा भाजा जा रहा चोर बन रहा, अब चोर का ड्रामा करे वो जा रहा वो जा रहा, और पीछे पकड़ लो तो कह लोग ये पकड़ने का ड्रामा करे प्रभात्मा इन में प्रभात्मा इन में, यानी सबके अंदर परमात्मा और वो खेल कर रहा वो अपना अंदर पास, समझे ना बात, ऐसा देखोगे आप। और जिस दिन आपका पूरा हो जाएगा प्रारब्ध उस दिन फिर वो जो धार सुनते सुनते उसी में मिल जाओगे, इधर नहीं आओगे। ये पूरे साधन इसके यहाँ तक के साधन ही है, करके देख लेना कोई चाहता है तो, और नहीं तो बात समझ में आएगी किसी जलम में करोगे संस्कार। ये मैं नहीं करना चाहता आपको, आप ये इसके लिए नहीं आए, इस बात के लिए आए नहीं पूछने के लिए, आपको जो तकलीफ थी मैंने पहले बता दी
ईर्ष्या द्वेष नफरत है गुस्सा है नाराजगी है और वो नाराजगी का मतलब चिंता फिक्र डर है ये तकलीफ आपको तो किसका चिंता किसका फिक्र किसका डर जब प्रेम है सब घर वालों को अच्छा समझते हो ईश्वर सब के सब खुशी बना लो तो घरों को सुरख बना लो सुरख 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 कर दो वो सुरख भी है ये वो तो फिर आप बता नहीं सकते यहीं पर भोग लो अच्छा खा लो अच्छा पी लो प्यार से रहो घर के अंदर प्रेम करो सब नहीं करेगा जो गलती करता माफ़ कर दो हंस लिया कर दो बता दो बेटे को बेटा ऐसे नहीं करना फिर भी वो करता है छोड़ दो और मिल जाएगा उसको ज्ञान देने वाला कोई बस में मिल जाएगा पुलिस वाला मिल जाएगा और वो सब पुलिस में निकल जाए दद्दू में निकल गया दे रहे कि निकलते ना आजकल निकल गया वो कौन छोड़े वो परमात्मा को नहीं छोड़ेगा उसको खाली सजा मिलेगी संडो बात बीमारी लग जाएगी कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा परेशान हो जाएगा तरह तरह करेगा आई ये समझ बात कर्म गति से बच नहीं सकता कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना बढ़ना इसका आदमी को ज्ञान नहीं है वो देखता मैं चलाकू कोई नहीं देखता तो वो परमात्मा आपके अंदर है जो बोल रहा है और वो सब चीज़ रिकॉर्ड इधर ही रिकॉर्ड है इधर ही दफ्तर है सब कुछ और वो सबका सफल तो मैंने आज मोटे तौर से सत्संग घोड़ मोड़ करके सब बातें बताई कि आप ईश्वर से हैं आप में बड़ी शक्ति है और जो आप कर सकते हैं अभी से आप घरों के अंदर इतना कर लो कि नाराज मत आया करो आपको जो घरवाला कुछ कड़ी बात कह दी मैडम कह देती है तो हाथ जोड़ लिया करो कैप्टन साहब सुनते हो नहीं नाराज मत आया करें मैडम से हाथ जोड़ लिया करें मैडम क्षमा कर मेरे को और जो वो चीज़ मांगती है वो ला दे आइए समझ बात वो करना पड़ा अपना छोड़ दे सब सेवा है आपको मैडम की सेवा कर देना सब सेवा मिल जाएगी आपको गुरुआ की इन पीरा की इन सबकी मिल जाएगी आइए समझ बात मतलब मनुष्यों की सेवा तो करें तो खास आदमी करो भी आपका बच्चा पाले बच्चे पढ़ाए सबको सब काम करे घरवाल ने आपको रोटी खुवाई तो उसकी सेवा सबसे बड़ी है तो सर्वे सब चीज तो घर के माँ अपने घर वालों की सेवा उसकी सेवा हर बड़ों का सम्मान करो और जवान को काबू करो अच्छी तरह और जो चाहते हो धन की इच्छा रखो ये नहीं कि मेरे कुछ नहीं चाहिए सब कुछ चाहिए ये नहीं कि मेरे कुछ नहीं चाहिए मेरे कुछ नहीं चाहिए नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा चाह का मामला है तो सोचो सब कुछ होना चाहिए मेरे पास उसके अगर कमी थोड़ी है मेरे को सब कुछ दे और इसी कोशिश करो देने की जो मिल जाए फिर सब्र कर लो जो आ जाए फिर सब सली कर लो कि ठीक है बहुत अच्छा संतोष सदा संतोष लो कि ये परमात्मा इतना देना था और ठीक है उसकी रजा पर राजी हो जाओ तो आज के सत्संग में मैंने जिंदगी को कैसे रहना है इससे लोग के अंदर रहने की बात बताई सादा ढंग और वो करना आखिरी बात इसलिए बताई डॉक्टर कमला के वो संस्कार दे दो तो क्यों मैं अनुभवी जीवता जीवता अनुभव करता हूँ इसका जीवित मुक्ति का तो मैंने आपको बता दिया कि वो कुछ नहीं आपकी खोपड़ी में ये साधन है और ये करके देख लो सब ने ये कर रखे ये बताते नहीं महात्मा क्यों बताएं क्या मैं नहीं बताता मैं बताना नहीं चाहता आप तकलीफ की बताता हूँ मैं जो सत्संग में बैठे हैं उनकी तकलीफ बताता हूँ नहीं तो मेरे को कौन बोलने देगा बार एसोसिएशन में कोई वकील मुझे बोलने देगा हाई कोर्ट में बोलता हूँ सेशन कोर्ट में बोलता हूँ कलेक्टर कोर्ट में बोलता हूँ और यूनिवर्सिटियाँ में सब में जाता हूँ शिमला श्यामला वगैरह हरियाणा राजस्थान सब में तो कौन यूनिवर्सिटी का मुझे बोलने देगा प्रोफेसर मैंने वो बात बतानी जो तकलीफ है सब का वो बात बताता हूँ आम लोगों का आज मिले जुले से मामला था सब बुद्धिमान लोग भी बैठे हैं दूसरे बैठे हैं तो मिली जुली सी बात कह दी सत्संग से सिवाय और कोई बात नहीं सत्य सत्य क्या है पर वो जो एक परमात्मा एक शक्ति है और वो आपके अंदर है और वो आपके अंदर क्या है तो आपके विचार में शक्ति है सोचो को बैसे हो जाएगा तो सोच को अच्छा कर लो बस इतना अपने सोच को पॉजिटिव कर लो आशावादी घटिया मत रखो घटिया सोच आएगा काट दो उसको जो काट दोगे ना मेरी बात याद आए वो ज्ञान है वो मैं गुरु नहीं बोल तो मेरी बात याद आ जाएगी मैं क्यों सोचूँ जो करेगा सो मरेगा जहर खाएगा वो मरेगा मैं तो करया नहीं वो पाएगा जो करेगा वो भाई चलाकी करता तो बता दो चार फिर वो करता वो पाएगा आइए समझ बात अभी मैं आपको जो कुछ मैंने अनुभव किया है वो लिख दिया किताबों में जो ए टू जेड ज्ञान देती शुरू से कहका कि किस जिले के ऊपर तक का देती दुनिया में कैसे रहना है और साधन कैसे करना वो सब कुछ करके देख लो आप बोलो गुरु तो ही नमस्कार गुरु की